बड़ी हैरानी की बात यह है कि आज अमेरिका के लिए जिस नेटो की अहमियत इतनी बढ़ गई है, एक वक्त था जब अमेरिका इसी नेटो को पीछे इसी नेटो से पीछा छुड़ाना चाहता था। तो क्या यूक्रेन वॉर ने नेटो के रिवाइवल का काम किया? ध्यान से देखिए। पोलैंड रूसी बॉर्डर पर फेंसिंग लगा रहा है। पोलैंड अमेरिकी फोर्सेस के लिए मिलिट्री बेस का विस्तार कर रहा है। पोलैंड का यह कदम नाटो देशों में अमेरिका की बढ़ती मौजूदगी का एक उदाहरण है। ऐसे में सवाल है कि क्या यूक्रेन वॉर से नाटो का रिवाइवल हुआ है? क्या नाटो पुतिन को न्यूक्लियर अटैक से रोक रहा है? एक वक्त था जब अमेरिका ने नाटो देशों में अपना फुटफॉल कम करना शुरू कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि 2018 के दौरान कई बार ट्रंप ने निजी तौर पर कहा कि वो नाटो से बाहर होना चाहते हैं। नाटो समर्थक अधिकारियों को डर था कि कहीं ट्रंप नाटो से बाहर होने का फैसला न कर ले, क्योंकि वो अलायंस के चलते मिलिट्री खर्च बढ़ा रहा था, जिसके चलते ट्रंप अपने सेट किए लक्ष्य पूरे नहीं कर पा रहे थे। आज 2018 के मुकाबले हालात बिल्कुल अलग हो चुके हैं। आज यूक्रेन वॉर के वक्त एक आंकड़े के मुताबिक हालात ऐसे हैं कि नाटो देशों में अमेरिका के 60,000 से ज्यादा ट्रूप्स मौजूद हैं। आज यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी ने भी अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है और वो अमेरिका से डिफेंस डील पर निर्भर हुआ है, जबकि ट्रंप के लाख अपील के बाद भी उसने ऐसा नहीं किया था। ये सब बताता है कि यूक्रेन वॉर के बीच पोलैंड की अहमियत अचानक बढ़ गई है और पोलैंड के रास्ते एक बार फिर अमेरिका ने नाटो देशों में अपनी पकड़ मजबूत करने की चाल चल दी है। रूस के बेहद करीब और यूक्रेन बॉर्डर पर पोलैंड में पावर सेंटर बनने से साफ है कि विनाशक युद्ध और बढ़ेगा और चिंता बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका भी बड़े पलटवार की तैयारी में है। कैसे? इसके दो बड़े इंडिकेशन है जो पिछले 15 दिनों में अमेरिका ने दिया। आइए ग्राफिक्स के जरिए इसको समझते हैं। सीधे आइए, बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और ये देखिए, इंडिकेशन नंबर वन, इंडिकेशन नंबर टू, बाइडेन के सामने मैं खड़ा हो जाता हूं। अमेरिका ने रूसी सीमा के पास सैन्य मजबूती बढ़ाई, मौजूदगी बढ़ाई है। यहां पर वॉर शुरू होने के बाद पहली बार अमेरिकी सैनिक यूक्रेन पहुंचे हैं। नंबर टू, युद्ध और विनाशक होगा। अमेरिकी सेना के 101 एयरबोर्न डिवीजन यूरोप में तैनात, फर्स्ट टाइम इन 80 ईयर्स, 80 साल में पहली बार। पेंटागन ने सैनिकों को हथियारों की जांच के लिए भेजा, फर्स्ट टाइम अगेन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार यूक्रेन रूस की सीमा के पास तैनाती हुई है। अमेरिकी सैनिकों की संख्या और लोकेशन को गुप्त रखा गया है।